नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने एक महिला बैठी हैं जो आदर्श नगर बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में आई हैं अपनी फरियाद लेकर, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ रहती हैं आप? बल्लभगढ़ आदर्श नगर। बल्लभगढ़ आदर्श नगर रहते हो? हाँ जी। आप दिव्यांग भी हो आप? हाँ, एक हाथ नहीं है। एक हाथ नहीं है जी मेरा। अच्छा, एक हाथ नहीं। आप लोग देख सकते हैं इनके एक हाथ नहीं है। तो आपके साथ ऐसा क्या हादसा हो गया कि आप सीपी ऑफिस आए हो? मेरा हादसा ये हुआ था, पवन ने, पप्पू ने, मेरा पवन ने रेप करवाया था। कौन कौन है? पवन ने, दारू वाली वहीं रहती है। कोई महिला है? हाँ जी, महिला है। पवन तो किसी पुरुष का नाम लग रहा है। नहीं, लेडीज का ही नाम है। पवन 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 भी कहते हैं और बातें सुमन भी कहते हैं। पवन और सुमन भी कहते हैं? हाँ जी, असली नाम तो सुमन ही है। उसने आपके साथ क्या किया? उसने मेरे साथ पप्पू के साथ रेप करवाया था मेरा। अच्छा, कोई पप्पू है जिसने आपके साथ बलात्कार किया? हाँ जी। तो क्या रख दिया था ना? क्या आप पवनी के साथ रहते हो? हाँ, वो भी किराए पर रहती थी, मैं भी रहती थी। एक ही मकान में? हाँ, एक ही मकान में रहते थे किराए पर। तो रेप कैसे कर दिया पप्पू ने? उसने वहाँ दारू पी थी बैठ के। नहीं, हाँ, दारू पीने के बाद मेरे घर में धक्का मारा था उसने, मेरे के बाल लगा दी बाहर से, कुंदी उसने। कितने दिन की बात है मैडम? ये 3 साल की बात होगी और 15 तारीख की बात है। 3 साल पहले की बात? हाँ जी। तो आपने शिकायत कब की? फिर मैंने वहाँ से मकान खाली करा। हाँ, वहाँ से खाली मकान करके फिर मैं दूसरे मकान में शिफ्ट हो गई। फिर मेरे पास वहाँ पे पहुँची के अगर ना जाएगी तो तुम्हें फोटो दिखा दूंगी तेरे। फोटो भी ले लिए था आप? हाँ जी। किसके साथ? उसी के साथ, पप्पू के साथ। पप्पू के साथ आपकी फोटो भी ले ली? हाँ जी। फिर क्या बोली? फिर मैं बोली, मैंने कि चल, फिर वो मेरे मुँह को ले गई वहाँ 11 बजे। अच्छा, 11 बजे घर लेके पहुँची तो वहाँ में 3 जने लोग बैठे थे, ऐसे डाँटा मार रखा था उसने। अपने घर में लेके पहुंची थी? हाँ, वो पप्पू के यहाँ पर। पप्पू के यहाँ लेकर पहुंची आप? हाँ जी। फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया? हाँ। ठीक है, फिर मैं वहाँ चली गई तो 3 लोग वहाँ बैठे थे, इनने मुझसे वहाँ धंगा मुस्ती करी वहाँ पर। क्या किया? मतलब मार पिटाई सी करी, जैसे पकड़ धकड़ करी, छेड़छाड़ किया? हाँ, छेड़छाड़ करी मेरी। फिर वहाँ से आपको पकड़ने का प्रयास? हाँ, बड़ी मुश्किल थे, फिर मैं वहाँ से भगी। अच्छा, भगी तो मेरे घोंटे में चोट आई बहुत। बहुत दिन परेशान रही। मैंने यहाँ भी दिखाया था। अच्छा, सीपी ऑफिस पे भी दिखाया था। उस वक्त भी आपके हाथ नहीं थे ना, जब ये दुर्घटना हुई थी? ना, ना, ना। हाथ तो मेरे 4 साल के कटा है जी। 4 साल पहले कटा? हाँ जी। अच्छा, तो आप भाग गए वहाँ से? हाँ, वहाँ से मैं भागी तो मेरे एक तो लेकर। शिकायत कब की आपने पुलिस में? मैंने कही थी। कितना दिन हो गया? 3 महीना हो गए मैडम। 3 साल पहले रेप हुआ तो 3 महीने पहले अभी हाल में आपने शिकायत की? इतना दिन आप रुके क्यों रहे? नौ रुके रहे। हमें मारने की नहीं, धमकी देती थी ये। जान से मारने की धमकी? हाँ। कौन देता था? पवन। पवनी? हाँ, जो पवन, महिला है। हाँ, वो धमकी देती थी मारने की मेरे को। अच्छा, क्या कहती थी? कहती थी अगर तूने कुछ बात करी या कुछ करी। पहले लड़के ने मारी थी उसने, मैं 2 बार उसने मारी थी जनाल पवन ने, मैं और पप्पू के घर ही मारी थी मैं 2 बार। अच्छा, तो आप वहाँ जाते क्यों थे पप्पू के यहाँ? पप्पू के मैं उसके घर नहीं जाती थी, वही घर ही लाई थी लिवा के। नियमों को ऐसी थोड़ी पता थी। अच्छा, आपको डरा धमका के फोटो दिखा के ले जाकर वहाँ मारती थी? हाँ। तो आपने पुलिस कंप्लेन में आपने क्या लिखा है, क्या मांग है आपकी? मांग मेरी यही है, इनको गिरफ्तार करो। किसको? पप्पू को और पवन को, जो आपके साथ इस तरह की वारदात जिन्होंने किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, गिरफ्तार करा जाए। क्या आपको अभी भी ये लोग परेशान करते हैं? अभी परेशान करते हैं मेरे को, धमकी मिलती है मेरे को, और पास भी कहते हैं धमकी मिलती है मानने की। अच्छा, अगर तू कहेगी, मेरे आदमी को धमकी दी थी एक बार। अच्छा, आपका परिवार भी है? आदमी भी, पति भी? आदमी ऐसा कभी कभी आता, आदमी गाड़ी पे जाता रहते हैं। अच्छा, लड़का है आपके? लड़का है, लड़का मेरे बाहर रहते, कोई नहीं रहता, 2 रहते हैं बजड़वा मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मानने आपके परिवार को भी धमकी दी जाती है? हाँ जी। क्या चाहते हो पुलिस कमिश्नर साहब से? आपने मुलाकात किया? की है मुलाकात मैंने। हाँ, क्या बोले वो? अब वो कह रहे हैं तुम बैठो, मैं अभी कार्रवाई करेंगे। हाँ, कार्रवाई करेंगे तुम्हारी, तुम बैठो। अच्छा, खतरा भी है, मानने का खतरा है। क्या खतरा है? में माल हमारे पति को मार सकते हैं। अच्छा, बाल करने भी मार सकते हैं, मेरे को भी खतरा है। तो अच्छा, कहती है दबक गई है, दबक गई है। अच्छा, इसलिए घर से बाहर ना लेकर रही है, तो घर से बाहर लेकर के तो देख जब तेरे को हम बताएं फिर। अच्छा, आपने पुलिस में कार्रवाई की तो आपको धमकियां और देने लग गए? और ज्यादा दे रही है फिर। अच्छा, छोरी ने भी, पप्पू की छोरी ने भी बोला था एक दिन मेरे से, अगर गली में मिल गई तो हम तेरी चुटिया पकड़ के मारेंगे तेरे को। अच्छा, तो आपको मारने पीटने की धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है कि आपने शिकायत क्यों कर दी? तो चलो देखते हैं, ये बल्लभगढ़ की हैं। राजी भी नहीं आने के लिए, सब पैसा वाले में, एक गरीब नहीं जनानी, एक हाथ की जनानी हूँ, विकलांग जनानी हूँ मैं। अच्छा, कोई आता भी नहीं है मेरे आपकी साथ। कोई मदद भी नहीं करता? कोई मदद नहीं करता। पुलिस वाले क्या कहते हैं? आपने 3 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने कहाँ पर कंप्लेंट की थी? मैंने पहले महिला मंडल थाने में करी थी, उसके बाद फिर मैं 16 सेक्टर भी गई थी। ठीक है,
मैं दो तीन बार यहाँ भी आ गई 24-23 सेक्टर में, वो 21 में भी आई। 21 सेक्टर भी आप आगे दो तीन बार। कोई आता मेरे पास तो उनको पकड़वा देती है कि तू कैसे इसके साथ लग रहा है। अच्छा, तो उसके साथ कैसी लग, कोई आपकी मदद करता है? मदद कोई नहीं करता। तो वो उसको कहाँ पकड़वा देती है, किससे? कहीं भी पकड़वा देती है, किसी भी उसको जन्म में फंसवा देती है, गांजा रखवा देती है, या कोई कुछ भी रखवा देती है उनके साथ घर में, उनके में। अच्छा। उनको पकड़वा देती है पुलिस, एक बार घर में दूसरे के में घुस गई। अच्छा, आपकी जो भी मदद करता है वो उसको झूठे केस में पकड़वा देती है पुलिस, क्या उसके साथ है क्या? हाँ जी, पुलिस उसी के साथ। क्यों, ऐसा क्यों? वो है ऐसी। कहाँ, कौन सा थाना पड़ता है? कौन सा थाना पड़ता है? आदेश नगर बल्लमगढ़, यही पड़ता थाना। अच्छा, वहीं की मुखबर है वो। मुखबिर है। इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाँ जी, इसी वजह से मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, अब देखते हैं इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये दिव्यांग हैं, एक हाथ इनके नहीं, आप लोग देख सकते हैं, कोई इनकी मदद नहीं करता। अगर कोई मदद करने आता है तो वो महिला अपनी पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके उसको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, पुलिस से पिटवा देती है, ये इनका कहना है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।